तो सबसे पहले इस्कॉन बेंगलोर में 2000 में अक्षय पात्रा स्टार्ट हुआ बेंगलोर में। तो उसका भी है ना अक्षय पात्रा के साथ में की स्टोरी है कि बेंगलोर में आप लोगों को मालूम है आईटी का एक बहुत बड़ा हब है, तो आईटी की एक कंपनी इंडियन कंपनी है इंफोसिस, राइट। तो इंफोसिस के एक बहुत सीनियर मैनेजर इस्कॉन के टेंपल में आया करते थे। इस्कॉन बेंगलोर का टेंपल जो है वो 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो 1997 से लेकर 2000 तक ये इंफोसिस के एक बहुत सीनियर मैनेजर मंदिर में आते थे और मंदिर का प्रसाद वो खाते थे, और वो ये भी देखते थे कि भाई और भी गरीब लोग बेंगलोर में आकर वो बैठ के प्रसाद खा रहे हैं और अपना पेट भर के भोजन भी कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर वे ही प्रसाद हम गरीब बच्चों को स्कूल में ले जाकर दें तो जो बच्चे बेंगलोर की सड़क पर भीख मांग रहे हैं या भटकते हैं वो खाने के बहाने स्कूल में आएंगे, और जब वो स्कूल में आएंगे तो उनको खाना तो मिलेगा ही, उनको पढ़ाई का भी वो होगा। तो उन्होंने ये बात हमारे जो चेयरमैन है, अभी मैं उनका दिखाऊंगा, चलिए वो अभी दिखाता हूं। तो हमारे जो चेयरमैन है ना उनको बताई कि भाई मेरे दिमाग में आइडिया है कि आप लोग किचन में खाना तो बनाते हैं लेकिन आप यही खाना अगर स्कूल में लेकर बच्चों को खिलाए तो जो बच्चे सड़क पर है वो खाने के बहाने स्कूल में आएंगे और स्कूल में वो पढ़ भी सकते हैं और उनका पेट भी भर जाएगा। तो नेचुरली ये चेयरमैन को, हमारे चेयरमैन को बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले सन 2000 में 1500 बच्चों को 8 स्कूल में अक्षय पात्रा ने खाना इस्कॉन के मंदिर से भेजना चालू किया, और 1500 बच्चों को 8 स्कूल में सन 2000 में अक्षय पात्रा ने सबसे पहले मिड डे मील बेंगलोर में चालू किया था। तो जब ये खबर बाकी स्कूलों को मिली कि भाई है ना इस्कॉन से 8 स्कूलों में बेंगलोर के खाना आ रहा है, तो नेचुरली उन्होंने भी हमारे चेयरमैन को अप्रोच करना चालू किया कि भाई हमारे बच्चों को भी आप खाना दीजिए, हमारे बच्चों को भी खाना दीजिए। और इस तरह बेंगलोर में काफी डिमांड आने लगी कि गरीब बच्चों को स्कूल में खाना बांटना चाहिए, और फिर धीमे 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 अक्षय पात्रा ने बेंगलोर में एक्सपैंड किया। मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट की 92-93 से चल रही थी, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि है ना खाना जो है गवर्नमेंट गरीब बच्चों को राशन के रूप में देती थी, पका हुआ खाना नहीं दिया जाता था। सन 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों को न्यूट्रिशियस पेट भर पका हुआ खाना खिलाना है, ये कच्चा खाना जो आप लोग बांट रहे हैं ये बच्चों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, कहां जाता है, दुकानों में बिक जाता है, क्या होता है कुछ पता नहीं, इसलिए स्कूल में उनको पका हुआ खाना। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑलरेडी अक्षय पात्रा सन 2000 में बेंगलोर में खाना बांट रहा था, तो गवर्नमेंट ने फिर हम लोगों को अप्रोच किया अक्षय पात्रा को कि आपकी जो स्कीम है जो आप खाना खिला रहे हैं आप दूसरे स्टेट्स में भी चालू करिए, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। हाँ, सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो अक्षय पात्रा का मतलब होता है, ये एक्चुअली सॉरी अक्षय पात्रा वर्ड जो है ना ये महाभारत में गीता में है। सो अक्षय पात्रा का मतलब होता है एक ऐसा पात्र जिसमें भोजन जो है कभी खाली नहीं होता। अक्षय का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाला, करेक्ट। और पात्र का मतलब होता है हंडी। सो ऐसी हंडी जिसमें खाना कभी खत्म नहीं हो, तो इस आइडिया से खाना अक्षय पात्रा का नाम रखा गया।
सो हम लोगों का जो विजन है, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों की जो स्कीम है मिड डे मील की, वो पहले मिड डे मील कहलाता था, आप प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना कहलाता है, तो ये एक प्रोग्राम का पार्ट है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो मॉडल है ना वो पीपीपी मॉडल है। इसमें क्या है, पी का मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो हम, हाँ बताइए, आप सवाल है आपका कोई? अच्छा, सो हमारा जो मॉडल है ना वो पीपीपी मॉडल है, और पीपीपी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट क्या है, डोनर्स है, पब्लिक क्या है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की स्कीम और प्राइवेट डोनर्स, इन दोनों को हम मिलाते हैं, हम इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है, राइट। जो डोनर है जो गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, गवर्नमेंट है जो कि मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो हम वो गवर्नमेंट के इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है। और हमारा विजन है, आज की तारीख में हम 20 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाते हैं ऑल इंडिया, राइट। और हमारा विजन यह है कि हम 2025 तक 30 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाएं। 2030 तक हम 30 लाख बच्चों को खाना खिलाने का हमारा विजन है, और आज की तारीख में हम ऑल इंडिया 20 लाख बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, रोज पूरे देश में। आज की जैसा ये देखिए ये चार्ट है, तो हरे हमारा जो किचन है ना वो 15 स्टेट्स में है, 67 किचन है, दो, हाँ 15 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में हमारे 67 किचन है। और आज की तारीख में हम 22,000 22,500 आप कह सकते हैं स्कूल्स में खाना खिला रहे हैं, 22,500 स्कूल्स में हम खाना खिला रहे हैं, और 2 लाख बच्चों और 20 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाया जाता है, 20 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाया जाता है। ये हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशन के स्तंभ है। मधु पंडित दास जो कि चेयरमैन है, जैसा मैंने आपको वो जो स्टोरी सुनाई थी कि सन 2000 में जब हम लोगों ने बेंगलोर में पहली बार खाना बांटा था, तो ये इनका आइडिया था कि भाई हम स्कूल में बच्चों को खाना बांटें, ठीक है। वाइस चेयरमैन जो है वो है हमारे चंचलापति दास, और महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है वो है अमितासन दास। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये तीनों जो है हमारे डिवोटीज हैं, हाँ डिवोटीज है, लेकिन देखिए कितने पढ़े लिखे हैं, वो एमटेक आईआईटी से है, वो एमएससी है आईआईसीआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, ये बीटेक है रीजनल। तो हमारे जितने भी जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं वो बहुत ही एजुकेटेड है, लेकिन सब सन्यासी हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के कृष्ण जी की उसमें शरण में है। और उनका मॉडल ये है कि वो हम जैसे प्रोफेशनल, जैसे मैं हूं पिछले 6 साल से अक्षय पात्रा के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं कॉलगेट पाल्मोलिव में वाइस प्रेसिडेंट था। आइए 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 आइए, बैठी बैठी बैठी। तो मैं कॉलगेट पाल्मोलिव में वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने 28 साल कॉलगेट में काम किया, वहां से रिटायर हुआ मैं 2017 में, और फिर मैं अमितासन प्रभु के उसमें कांटेक्ट में आया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स जो भी नॉलेज है वो अक्षय पात्रा को बढ़ाने में लगाइए, अपना टाइम इसमें बिताइए। तो फिर मैं सन 2017 से अक्षय पात्रा में जुड़ा हुआ हूं, और ये किचन जो भी महाराष्ट्र में किचन है ये सब मैंने बनाए हैं, और आज मैं इन सब का मैनेज कर रहा हूं। अभी यहां से कितने बच्चे को कितने स्कूल में जाना रहता है, यहां के लोगों का पकाया जाता है, इस
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मैं मनु मेहरोत्रा हूं, मेरे अंडर में पनवेल, थाने, कल्याण, भिवंडी, पुणा, इन ये किचन है राइट, महाराष्ट्र में हमारे ये पांच किचन ऑपरेट हो रहे हैं। और ये जो पनवेल किचन है, हम लोगों का मॉडल है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कोई चीज बेचते तो नहीं है राइट, तो जो भी चीज हम करते हैं वो सब डोनेशन से आती है। तो इस किचन को एस्टैब्लिश करने में इन लोगों का हाथ है, सर्व मंगल ट्रस्ट है, वर्धमान चैरिटेबल फाउंडेशन है, एक सक्सेना फैमिली है, वंदना तिलक जी है, ये वडेरा फैमिली फाउंडेशन, ये सब यूएस में एनआरआई है, तो उनके डोनेशन से ये किचन एस्टैब्लिश हुआ है। हाँ, जो भी श्याम जी जो है बिल्कुल। तो पनवेल किचन के बारे में सर आप पूछ रहे थे, ये जो लैंड है ये 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड है और ये हमें गवर्नमेंट ने दिया है, ये गवर्नमेंट ने हमें ₹1 साल के लीज पर दिया है और लीज का पीरियड है 15 साल। सो पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 15 साल के लिए ₹1 साल पर लीज हमें ये 20,000 स्क्वायर फीट लैंड दिया है। इस पर हमने ये जो बिल्डिंग बनाई है ये 13,000 स्क्वायर फीट की बनाई है। सो किचन का एरिया, ऑफिस, ये सब 13,000 स्क्वायर फीट है और इस पर जो खर्चा आया है ये करीब करीब 8 करोड़ समझ लीजिए, ये 7 करोड़ 75 लाख जब हमने बनाया था, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत और इक्विपमेंट ऐड किया तो राउंड ऑफ करके 8 करोड़ में ये किचन बना है। और आज की तारीख में इसकी कैपेसिटी, हम खाना दे रहे हैं 10,000 मील्स पर डे, बट यहां से 20,000 तक हम बना के दे सकते हैं ठीक है। और इस वक्त हम 67 स्कूल्स में पनवेल के खाना जा रहे हैं। पालिका के भी स्कूल है और जिला परिषद के, हम लोगों का मॉडल जो है वो केवल पालिका के स्कूल और जिला परिषद के स्कूल में खाना देते हैं हम। और मिड डे गवर्नमेंट की जो मिड डे मील स्कीम है वो भी इन्हीं लोगों के लिए है, प्राइवेट स्कूल में मिड डे मील होगा तो फिर वो पेरेंट्स का अपने पैसे से होता होगा, लेकिन हम लोगों का जो है वो केवल गवर्नमेंट के स्कूल, म्युनिसिपल और जिला परिषद के पर डे 3,000। और जो हमारा मेनू है, हर एक स्टेट में अक्षय पात्रा का मेनू डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है हर एक स्टेट में राइट, और वो डिपेंड करता है स्टेट में क्या चीज खाने की चलती है राइट। तो महाराष्ट्र में हमारा जो मेनू है वो राइस बेस्ड मेनू है, तो हम राइस देते हैं और उसके साथ करी का आइटम देते हैं जिसमें सब्जी भी होती है ठीक है। तो आप देखिए कि है ना वेराइटी, डिफरेंट टाइप के राइस है हमारे पास और डिफरेंट टाइप की दालें हैं, छोले हैं, चना है राइट, सो दैट बच्चों को वैरायटी मिले, रोज एक ही टाइप का खाना नहीं मिले ओके। और रोज खाना डिफरेंट जाता है, जैसे मंडे को डिफरेंट जाएगा, ट्यूसडे को डिफरेंट जाएगा, वेनेसडे को, तो 6 दिन खाना डिफरेंट होता है और हफ्ते में 1 दिन मीठा होता है जिसमें ज्यादातर हम सूजी या लापसी देते हैं। ये मेनू भी गवर्नमेंट डिफाइन करती है, हम अपनी तरफ से कुछ भी बना के नहीं दे सकते, गवर्नमेंट हमें बताती है कि आप ये दीजिए। और हर एक खाने में बच्चों को न्यूट्रिशन, क्योंकि ये स्कीम का मेन उद्देश्य है बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए राइट, तो हर एक खाने के मेनू में हम लोग इंश्योर करते हैं कि बच्चों को कम से कम, प्राइमरी का अगर बच्चा है तो 450 किलो कैलोरी एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन मिले। इसकी हर एक मेनू की टेस्टिंग होती है, थर्ड पार्टी सर के लिए भी लेकर आऊं पूरा चाय आप चाहें पानी। तो हर एक मेनू की टेस्टिंग होती है और वो मेनू तब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करते जब तक उसमें 450 किलो कैलोरीज एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन
और या 700 किलो कैलोरीज एनर्जी और 20 ग्राम प्रोटीन नहीं होता। और जो चावल हम यूज करते हैं वो फोर्टिफाइड राइस है, उसमें आयरन और फॉलिक एसिड मिला हुआ है। और वो जो हम वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं वो भी फोर्टिफाइड है, और जो सॉल्ट यूज करते हैं वो भी फोर्टिफाइड है। आइए सर, आइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए इधर आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। श्याम यू कैन टेक दैट सीट, आइए आइए। तो जो बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट जाना चाहिए खाने में, और जो खाने में पौष्टिक वो चीजें होनी चाहिए, वो सब चीजें इंश्योर की जाती हैं और वो यूज की जाती हैं हमारे मेनू में। सॉरी सर, थोड़ा सा हम मिड डे मील के अलावा अगर कोई विपदा आई या फिर कोई ऐसा वो हुई, वहां पर भी हम लोग अक्षय पात्रा का महाराष्ट्र में नहीं पूरे ऑल इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके, अब जैसे कोविड के टाइम में जब खाने की यहां पर बहुत कमी थी, महाराष्ट्र में हमने 1.5 करोड़ खाने बांटे, राइट। और उस खाने में क्या था, ड्राई राशन था, कुक्ड मील था, और गरीब लोगों को जगह जगह जाकर हम लोगों ने खाने बांटे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा ऑल इंडिया हम लोगों ने 24 करोड़ खाने बांटे। इसके अलावा जब भी यहां पर महाराष्ट्र में फ्लड आया, जैसे सांगली और कोल्हापुर में 2019 में फ्लड आया था, तो हम लोगों ने यहां से एक टीम भेजी थी, वहां पर सांगली में हमने किचन एस्टेब्लिश किया था, और वहां से 1,00,000 मील हम लोगों ने लोग गांवों को खिलाए। ये वहां के एमपी हैं, आप देख सकते हैं, शाहबाजी, या इन्हीं के सहयोग से हम लोगों ने किचन एस्टेब्लिश किया था और फिर वहां पर खाने बांटे थे। इसके अलावा अभी यहां पर एक ना वो हुआ था लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें काफी लोग मर गए थे, वहां पर भी जो लोग डिस्प्लेस हुए थे वहां पर भी हम लोगों ने खाना यहां से भेजकर उन लोगों की सहायता करी है। कई बार क्या होता है कि है ना कोई वजह से स्कूल ऑल ऑफ ए सडन बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा खाना तो रेडी है, राइट। और फिर हमारे पास खबर आती है कि भाई अगर स्कूल बंद है तो हम लोग वो खाना फेंकते नहीं है, वो खाना ले जाकर गरीबों में बांट देते हैं। तो ये बहुत रेगुलरली जुलाई में यहां पर बहुत तेज पानी बरसा था, तो कई बार स्कूल लास्ट मोमेंट पर बंद हो रहे थे, तो हम लोगों ने काफी लोगों को वो खाना पका हुआ है वो खिलाया। ओके, सो ये थोड़ा सा ब्रीफ है। अब अपन लोग ऐसा करेंगे कि एक बार किचन का चक्कर लगाएंगे, फिर जो भी उसके बाद आके यहां पर जो भी आप लोगों के सवाल है वो मैं आप लोगों को आंसर करूंगा, ठीक है। है श्याम, चले, राइट, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं एक मिनट बुला लेता हूँ। सागर, सागर हम लोग नीचे जा रहे हैं, आइए। सागर जो है वो यहां के एचआर इंचार्ज है। सर आप आगे बढ़िए। हाँ, आइए आइए।
रिसेप्शन खुद ही अलग है। हाँ हाँ तो किचन में जाने से पहले ये सब फेमस हस्तियां जो है ये हमारे किचन में कहीं ना कहीं इंडिया में आई हैं और उन्होंने अक्षय पात्रा के बारे में जो कमेंट किए हैं वो अक्षय पात्रा का रेफरेंस हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें भी है कि पिछले 22 साल में हम लोगों ने एक दिन भी किसी भी स्कूल में ऑल इंडिया कहीं भी खाना मिस नहीं किया। ऐसा एक दिन भी एक मौका नहीं आया जब स्कूल में खाना टाइम से नहीं पहुंचा है। और ये स्टडी जो है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी लिखी है। आइए हाँ शूज उतारने पड़ेंगे राइट और या शू कवर पहन सकते हैं आप उतारिए नहीं वो शू कवर है शू कवर ले लीजिए ये जो ब्लू वाले है ना शू कवर ले लीजिए। हाँ बोल सकते हैं और एक काम और करना पड़ेगा कि अपने वो घड़ी उतारनी पड़ेगी और जेब में रख लीजिए आप हाँ ये यहीं पर रख लेते हैं अपन लोग यहीं पर वापस आएंगे यहीं से वापस आएंगे। ये लौकिक है ये प्रोडक्शन के इंचार्ज है तो लौकिक एक काम करेंगे पहले इनको रिसीविंग एरिया में ले जाएंगे राइट इधर से और फिर वहां से मंडी एम्प्लॉई एंट्रेंस है ना उसके आप भी जिन्होंने पहले वो अंदर ले जाओ स्लीपर पहन लीजिए सर स्लीपर यस यू कैन वेयर इट दिस इज शू कवर यू कैन वेयर इट ऑन द शू। हाँ ये स्लीपर जो है किचन के लिए ही है ये बाहर नहीं जाती है। फोन भी है वो फोन अपना जेब में रख ले आप वो चलेगा। और वो हैंड सैनिटाइजर में अपना पहले हैंड सैनिटाइज कर ले इसमें मैडम आप नीचे हाथ रखाएंगे ना तो ये आ जाएगा। साहब वो ठीक है Thank you.
हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बताएंगे बताओ बताओ। चलिए आइए आइए आइए। रॉ मटेरियल रिसीव जे काही रॉ मटेरियल इन्फॉर्म करतो की रॉ मटेरियल आलेलं आहे, त्याच्यानंतर जे स्टोर डिपार्टमेंट आहे आणि क्वालिटी डिपार्टमेंटला बोलवलं जातं, स्टोर डिपार्टमेंट आहे तो क्वांटिटी जेवढी आपण मागवली तेवढीच आहे का ते चेक करतो, आणि क्वालिटी डिपार्टमेंट त्याची जी क्वालिटी आहे जी आमचं स्पेसिफिकेशन आहे त्याच्यानुसार क्वालिटी चेक केली जाते। इथे वेइंग बॅलन्स वगैरे आणून त्याची क्वांटिटी क्वालिटी सगळं चेक केलं जातं, त्याच्यानंतर मग आतमध्ये घेतलं जातं। आणि जे फाय किलर रोल असते असे फाय किलर असतात, याला फाय किलर म्हणतात, आपण भाजी काढला फ्लॅट किलर लावलेले। ओके ठीक, आता आपण स्टोर डिपार्टमेंट बघू। हे आपलं स्टोर डिपार्टमेंट आहे, त्याच्यामध्ये आपण ग्रॉसरी आणि स्पाइसेस हे आपण सेपरेट करतो। आपले म्हणजे रॉ मटेरियल जे आहे आपले अप्रूव वेंडर आहे, मी त्यांचं त्या वेंडरचं आपण ऑडिट केलेलं असतं, मग त्यांची सगळी जी डॉक्युमेंटेड वगैरे आहे ती चेक करून त्यांना आपली जी स्पेसिफिकेशन आहे ते सगळं सांगून त्याच्यानंतरच आपण ते अप्रूव केले असतात। त्या अप्रूव आपली टीम आहे ती जाऊन त्यांचं ऑडिट करते, त्याच्यानंतर मग त्यांचं स्टॉक वेंडर आपण अप्रूव करतो। म्हणजे रॉ मटेरियल आपण तीन तरह है, त्याला आपण होलसेल लेवल लावतो, शिवाय आपल्याकडे पाच एलर्जन आहे, एलर्जन म्हणजे एलर्जन म्हणजे आपण बघणार आहोत त्याच्यात आपण सेपरेट आहे। एलर्जन म्हणजे काय माहितीये का, एलर्जन म्हणजे काही अशी प्रॉडक्ट आहे ते कन्झ्युम केल्यानंतर एलर्जिक रिॲक्शन होऊ शकते। समजा म्हणजे जे अमेरिकन वगैरे पीपल आहेत त्यांना हीट मध्ये ग्लूटेन नावाचं प्रोटीन असतं, त्यांची एलर्जी असते, म्हणजे स्किन मध्ये इंडियन पीपलला काय एलर्जी नाही आहे, पण आपण जे आहे एलर्जन ते आपण क्लिअरली मेन्शन केलेले आहे, आणि त्या एलर्जन आपण स्टँडर्ड एक सेपरेट एरिया ठेवलेला आहे, त्या सेपरेटमध्ये डॉक्युमेंटरी मध्ये आपण ठेवून देतो। हे आहे बघा तुम्ही बघू शकता होल्टर लेबल लागले, म्हणजे पूर्ण पॅक आहे ते क्लीन करायचं बाकी आहे, त्याच्यासाठी होल्टर लेबल लागले, सेपरेट स्टोर डिपार्टमेंट आहे आणि त्याच्यानंतर एक आहे व्यक्ती ते पूर्ण स्टोर डिपार्टमेंट हँडल करतात। ओके, और सारे रॉ मटेरियल FSSAI अप्रूव्ड वेंडर से आते हैं। आपको मालूम है एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, तो उससे ही जो अप्रूव्ड वेंडर्स है उसी के मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, वैसे नहीं करते। या तो एक बार होना चाहिए या FSSAI जी ग्रॉसरी है, ठीक है, फॉर्मली एंड क्यूए का
म्हणजे ऑरेंजवर परचेस करायचं तर सुए सुए म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस म्हणजे आपण जी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आहे की काय केमिकल पॅरामीटर आहे ते चेक करून ते आम्हाला तसं पाठवतं. ओके, तर आता आपण प्री प्रोसेसिंग एरिया बघू. जसं की आपण आता बघितलं तिकडे ग्रॉसरी एरिया हा प्री प्रोसेसिंग एरिया म्हणजे प्री प्रोसेसिंग मध्ये वॉशिंग आलं, पिलिंग आलं, व्हेजिटेबलचे जे प्री प्रोसेसिंग आहे ते आपण हा एरियामध्ये करू. तर आपण एक करत नाही झालं जे मिरची अद्रक जे टेस्ट आपल्याला करायचे असेल ते यामध्ये आपण करू. आणि स्मॉल स्केल मध्ये जर क्वांटिटी कमी असेल त्याचा आपण आपण करू. त्याच्यामध्ये कसं आहे आपण आपण आपला भाजी पाहिजे तो आपण फक्त पाण्यामध्ये वॉश करून घेतो. त्याच्यामध्ये पण आहे त्याच्यामध्ये आपला डबल ऍडव्हान्टेज आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं जे ज्यावेळी भाजीपाला येतो तो त्या दिवशी आला त्या दिवशी तो निवडून फ्रीज मध्ये ठेवायचा. त्याच्यानंतर त्या दिवशी वापरायचा आहे त्या दिवशी वापरण्याच्या अगोदर वॉशिंग आणि क्लिनिंग केलं जातं. आता आपण स्मॉल वॉशिंग पाहिजे पण क्लिनिंग कसं होतं म्हणजे सॅनिटायझर कसं होतं भाजीपाला आणि जमिनीखाली भाजीपाला असे दोन ग्रुप तयार केलेले आहेत. पहिला आपण जमिनीवरील भाजीपाला वास आणि सॅनिटाइज करून घेतो. स्प्रेड घेतो त्याच्यामध्ये भाजीपाला डिप करतो आणि त्याच्यामध्ये दिलेला आहे हा चार्ज दिलेला आहे त्याच्यामध्ये टॅबलेट टाकतो. क्लोरीन टॅबलेट सॅनिटायझिंगचं काम करतो. त्याच्यामध्ये रिक्वायर पाणी आणि त्याच्यामध्ये लागणाऱ्या क्लोरीनचे टॅबलेट हा चार्ज दिलेला आहे. आणि याच्यामध्ये माती पण दिलेली आहे. मोबाईल लिटरचं पाणी आपण याच्यामध्ये घेतो आणि कॉन्टॅक्ट टाइम दिलेला आहे. भाजीपाला बाहेर काढला जातो पूर्ण पाणी ड्रेन केलं जातं पूर्ण फ्रेश वॉटर परत याच्यामध्ये फिल केलं जातं आणि पूर्ण परत एकदा तुम्हाला करून दिलं जेणेकरून त्या भाजीपाला तो निघून जातो. अशा प्रकारे याच्यामध्ये वॉशिंग आणि भाजीपाला 50 दिवसांचा आपण क्लोरीनचं पाणी यूज करतो. हा रेफ्रिजरेटर आहे म्हणजे जो भाजीपाला वगैरे आहे तो स्टोरेज करण्यासाठी आपण रेफ्रिजरेटर वापरतो. आपण फक्त 2 दिवसाचा भाजीपाला वाईट होतो जो स्टॉक करून घेतो आणि 2 दिवसाला आपण फ्रीज भाजीपाला वापरतो. तुम्ही बघू शकता भाजीपाला आल्यानंतर सॉर्टिंग करून आपण हा फ्रीज मधून देतो आणि त्याला आपण लेबल लावतो. सॉर्टिंग केलं म्हणजे जी ग्रॉसरी आहे आणि राईस आहे त्याच्यामध्ये आपण सॉर्टर आपला जो राईस आहे तो एक्सचेंज करायचा. एक्सचेंज करायच्या नंतर
एफसीआई का राइस मतलब गवर्नमेंट देती है, राइस जो है वो हमें हर एक बच्चे के हिसाब से गवर्नमेंट देती है। अभी एलर्जन एरिया एक आहे कुंड वेजिटेबल्स की एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड की जाती है? वेजिटेबल एक्सपायरी डेट जो एक आठवडा कुछ होने राहू शकतो भाजीपाला त्यानंतर, पण आपण जो भाजीपाला आहे तो फक्त दोन दिवसासाठी यूज करतो, दोन दिवसानंतर आपण फ्रेश भाजीपाला परत लावतो। सो जो बच जाते हैं उसका क्या करते हैं? वेजिटेबल्स बच जाते हैं? नहीं बचते, जो रिक्वायर्ड मार्केटिंग है वो काम के अनुसार हम परचेज करते हैं, उसी के अनुसार यूज किया जाता है। वो ध्यान नहीं रखते कि जो मूंगफली है वो एलर्जन है, हमें अलग रखना चाहिए, सूजी है वो एलर्जन है वो अलग रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं कोई चांस सेफ्टी के ऊपर कोई मामला नहीं। एलर्जी होने के खाने में एलर्जी हो गई, जिन लोगों में डोए डाल हो सकता, स्किन लड़ाई हो सकता, हाथ हो सकते, जब उनका खट्टी हो सकते, ऐसे की एलर्जी के रिएक्शन आता है, लेकिन उनका क्या होता है एक से ऐसे एलर्जी मटर छोड़ देता है, अंतिम दिन जब उनकी गाड़ी है तो उनकी मटर पर से डबल अंडी पर से यूज करें, उनके जिसका सेंडिंग करें तेल से बर्थ जब उन्हें दीजिए लगा तो आपने एलर्जी मटर छोड़ देता है। बतापन किचन में प्रोसेस देने के लिए यह हाइजीन स्टेशन म्हणजे ज्यावेळी किचन स्टाफ कोणी आज किचन मध्ये एंट्री करतो तर एंट्री इथूनच केली पाहिजे असा आमचा रूल ठरलेला आहे। तर हायजीन स्टेशन कसं चालतं तुम्हाला सांगतो, याच्यामध्ये चार सेक्शन दिलेले आहेत, हँड सोप, वॉटर, हँड ड्रायर आणि हँड सॅनिटायझर। तर ही 20 सेकंदाची प्रोसेस आहे, ती प्रोसेस फॉलो केल्याच्या नंतरच आतमध्ये एंट्री दिली जाते। पहिला काय करायचं, हँड सोप आहे तर हँड सोप हातावर घ्यायचा, त्यानंतर वॉटर घेऊन पूर्णपणे हात रब करायचा, त्यांना आम्ही ट्रेनिंग दिलेलं आहे हात कसे धुवायचे, आता नॉर्मली हात कसे आपण असे 10 तास साबण लावतो आणि एकदा आपण एंट्री करतो, पण तशी प्रोसेस नाही आहे।
बघायला मिळणार तुम्हाला कारण लाईट आने के लिए जाते वक्त करने के यामध्ये जवळपास एका वेळी जवळपास 280 ते 300 किलो पर्यंत करी यामध्ये एका वेळी बनते. जवळपास 1.5 तासामध्ये ही सर्व प्रोसेस कम्प्लीट होते. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता हा रोबोटिक एज्युकेटर आहे. म्हणजे यामध्ये मेनवर आपल्याला काहीच लागत नाही. एकदा आपण यामध्ये अन्न टाकलं शिकवण्यासाठी की आपण एक कम्प्लिटली ऑटोमॅटिक प्रोसेस चालू होते. ही झाली करी मशीन. त्याच्यामध्ये आपण करी बनवतो. त्याच्यानंतर इकडे आपण बघू शकतो करी झाल्यावर आपण यामध्ये या मशीन त्याच्यामध्ये आपण राईस बनवतो. त्याच्यामध्ये खाली सीव आहे म्हणजे जाळी आहे. त्याच्यामध्ये आपण जवळपास पाणी येतो आणि त्याच्यामध्ये 100 किलो रॉ राईस टाकल्यावर जवळपास 250 ते 270 किलो पर्यंत रॉ राईस एका वेळी बनून तयार. तर हे कोल्ड्रॉन झालं. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अन्न तयार झालं की ते आपण फिलिंग साठी कसं करतो. फिलिंग कसं करतो ते आपण आता Thank you.
अगर उसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन होगा तो मर जाएगा, इसके अंदर सील निकल दी है, सील उसका रहती है और वो उसमें से निकल निकल दी है, तो एक जो पेपर है ऐसे ऊपर रखा है, नीचे से स्टीम आती है, उसको पूरा गर्म करती है, सफा करती है, तब जाता है। आपको उसके बाहर जाते हैं तो स्क्रबर होने के बाद हम ट्रॉली में भरते हुए पंजर में जो हमें अलॉट हुए तो हमने वो सेवन ग्रुप में डिवाइड किया है लोकेशन के हिसाब से, और वैसे जो सबसे लंबा रूट है वो सबसे पहले हम बेचने और जो सबसे खास वाला है हमें उसको सबसे लास्ट में बेचने, और यहाँ तीन सबसे सस्ता नहीं लगा है तो हमारा तो ये जो किचन है इसका ये हायर है और सेकंड टाइम किचन राइट, तो हमारे पास हायर 32,000 है जो कि फूड मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस है, ये हायर का कैटेगराइज है, FSSAI वाले जो है वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं और आपके किचन को रेटिंग देते हैं कि आपने कैसे साफ सफाई कर रखी है, क्या आपके प्रोसीजर्स है, तो ये किचन को 5-star रेटिंग होगी, हमारे हर एक किचन को FSSAI की तरफ से 5-star रेटिंग है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो आकर ये देखती है कि आप जो खाना बना रहे हैं वो सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसका नाम है ईट राइट, राइट, तो वो ईट राइट का भी हमारे पास सर्टिफिकेट है कि जो आप खाना बना रहे हैं वो सही प्रोसीजर से बन रहा है और सही खाना बन रहा है। ओके गुड, सॉरी आज लाइव बहुत चल रही है, आपको हाँ मंगलवार आइए, ओके थैंक यू वेरी गुड।